हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही सही जवाब देंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। एक नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताइए। तो देखिए 2005 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया, तो एक का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? दो का सही सही जवाब बताएंगे कि रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। सही सही जवाब बताइए कि रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए दो का अगर आप ऑप्शन सी केरला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रबर उत्पादन में केरल जो है नंबर वन पर है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? फटाफट बताइए कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है। ऑप्शन बी अगर आप जापान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान देश का है। अगला क्वेश्चन चार नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? सही सही जवाब बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। देखिए अगर आप ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही सही जवाब बताइए कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए पांच का अगर आप ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सिक्स नंबर का सही सही जवाब बताइए कि कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए आइस हॉकी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कनाडा देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है सात नंबर की राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए अगर आप भोपाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। भोपाल एमपी की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए 11 है। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 11 है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है? फटाफट बताइए कि मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है। देखिए अगर आप ऑप्शन ए एडिपोज ऊतक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर में वसा का संचयन एडिपोज ऊतक के द्वारा होता है, तो 9 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर देखिए कि भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे कि भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है। भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है, ये कतई जहर प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही सही जवाब दे पाइएगा। देखिए अगर आप पिंगली वेंकैया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो निर्माता है वो कौन है? तो ये आपका पिंगली वेंकैया है, तो 10 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का सही सही जवाब बताइए कि द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है। देखिए 11 का ऑप्शन भी भारत हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो भारत देश में होता है, तो 11 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए विलिंगडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। 12 का सही सही जवाब बताइए कि विलिंगडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए विलिंगडन ट्रॉफी का संबंध जो है वह नौकायान से है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विलिंगडन ट्रॉफी का संबंध किससे है, नौकायान से है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, फटाफट बताइएगा 13 का सही जवाब कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए जिनेवा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए 14 का अगर आप ऑप्शन डी 1953 हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1953 में की गई, सॉरी 1993 रहे, तो 1993 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1993 में की गई। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, आप बताइए कि जो भी स्तूप होते हैं स्तूप उनके शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, फटाफट सही सही जवाब बताइए 15 का। देखिए इर्मिक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्तूप के शीर्ष भाग को इर्मिक कहा जाता है, तो 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कंज्यूमर डे पूछ रहा है, नेशनल कंज्यूमर डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब बताते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, फटाफट बताइएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और आपका 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से है, तो 17 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देख लीजिए कि करपाट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, कापाट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, फटाफट बताइए कि कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए नई दिल्ली में है, ऑप्शन ए नई दिल्ली बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देख लीजिए कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब अरुंधति राय हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया। देखिए अगर आप 2 सितंबर 1946 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को किया गया, तो 20 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ICICI बैंक की स्थापना कब की गई, फटाफट बताइएगा ICICI बैंक की स्थापना कब की गई। तो देखिए ICICI बैंक जो है इसकी स्थापना 1994 में की जाती है, तो ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी एक इतिहासकार था और इसी ने पुराणों का अध्ययन किया था, तो ऑप्शन सी अलबरूनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? फटाफट बताइए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? देखिए कार्ल मार्क्स बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। झंडा गीत की रचना किसने किया? फटाफट बताइए कि झंडा गीत की रचना किसने की? झंडा गीत की रचना किसने की? देखिए ऑप्शन डी वाले बच्चे का गलत आंसर है। इसका सही जवाब श्यामलाल गुप्ता हो जाएंगे। श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है झंडा गीत की रचयिता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि झंडा गीत की रचना किसने किया, तो श्यामलाल गुप्त ने किया। चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए जियाटो बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? फटाफट सही जवाब बताएं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो देखिए महाप्रयाण घाट के नाम के से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? फटाफट बताइए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? फटाफट बताइए। देखिए ऑप्शन डी 1911 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की गई। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही सही जवाब बता पाते हैं कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल को जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास आपको मिल सके। अगला देख लीजिए, लेग्यूमिन्स किसमें पाया जाता है? फटाफट सही जवाब बताइए। लेग्यूमिन्स किसमें पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लेग्यूमिन्स किसमें पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? तो फटाफट बताइए कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? तो 1579 ईस्वी में की। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए संयुक्त राज्य के चार्टर में जो है 111 अनुच्छेद है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? फटाफट बताइएगा। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? देखिए अगर 32 का ऑप्शन भी 26 मई 1865 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1965 को हुई, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही सही जवाब बता पाते हैं। इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? सभी लोग जानते हैं 1865 में। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। 1865 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? फटाफट सही जवाब बताइएगा। किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? तो देखिए रेडॉन होता है, रेडॉन को छोड़कर सभी जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में पाई जाती है, तो
थोरिडोन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है। देखिए 14 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है, तो 14 दिन तक रख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, किनका कथन था। फटाफट बताइएगा कि प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, किनका कथन था। देखिए 36 का अगर आप सही जवाब ऑप्शन है अब्राहम लिंकन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि 1857 में नमक 1857 ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 1857 के क्रांति पर एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम 1857 ही रखा गया, इसके रचयिता कौन है। तो इसे SN सेन ने लिखा था, SN सेन ने इसको लिखा था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, SN सेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, फटाफट बताइए कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था। सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था, तो इसका सही जवाब घाना हो जाएगा। घाना देश एक अफ्रीकी देश है जो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था, तो घाना देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा, तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही सही जवाब बता पाते हैं कि हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा। देखिए हुमायूं जो है 1530 में गद्दी पर बैठा था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि डेली मेल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है। डेली मेल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका सही जवाब लंदन हो जाएगा। डेली मेल समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो लंदन से होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर है और सभी लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अभी तक 42 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 42 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।